दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग अगर इस मोबाइल को लैंडस्केप मोड में अगर आप करना चाहते हैं, सिंस आप लोग भी जानते हैं ये पोर्ट्रेट मोड है मैं और इसको लैंडस्केप मोड में करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने में बार बार ये स्टार्ट पे आता है तो ये नॉर्मल रहता है, और जैसे ही रोटेट स्क्रीन करता हूँ तो ये लैंडस्केप मोड में आ जाता है। तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन लेके आया हूँ, मैं इस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, बट जब तक आप इसको नहीं समझिएगा तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर आप जानिए कि ये देखिए कितना महत्वपूर्ण ये एप्लीकेशन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो मैंने प्ले स्टोर में गया, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा नोवा लॉन्चर, ठीक है। नोवा लॉन्चर पर आपने क्लिक किया, ये देखिए टेस्ला कॉइल सॉफ्टवेयर है, ये आपका बहुत ही लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, 4.5 रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो इसकी मदद से भी आप अपने मोबाइल को जो आपका पोर्ट्रेट मोड में आता है इसको आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। मैंने अभी इसको ओपन किया है, ओपन करके मुझे इसमें नोवा बैकअप स्टार्ट फ्रेश करके ऑप्शन आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्टार्ट फ्रेश का ऑप्शन देता हूँ और उसका नेक्स्ट करता हूँ। उसका लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, ऑटो चाहिए, जैसा भी चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको ढाल सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद ड्रॉवर स्टाइल कैसा चाहिए वो आप इसको एक तरह से एप्पल मोड भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए मैंने अपने इसको एप्पल मोड दे दिया है, आप देखते हैं। तो ये देखिए हमारा नोवा लॉन्चर, ये देखिए इस तरह से आपका ये लॉन्चर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका नोवा लॉन्चर कैसे यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि आप इसको किस तरह से लैंडस्केप मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैं फिर से इसी में आया, ये देखिए मेरा सारा ऐप्स बहुत ही क्लियर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये भी एक बहुत अच्छा लॉन्चर बोल सकते हैं आप इसको। और ये देखिए मैं फिर से इसमें नोवा लॉन्चर में जाके आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं फिर से नोवा सेटिंग्स में गया, ओके। अभी मैं इसमें लुक एंड फील जो है वो आपको लुक देगा, लुक एंड फील में मैं आया। यहाँ पर स्क्रीन ओरिएंटेशन है, डिफ़ॉल्ट है ऑटो रोटेट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो रोटेट पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स लैंडस्केप है, आप फोर्स लैंडस्केप पे कीजिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको जादू दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वंस किया और ये देखिए आपका पूरा स्क्रीन जो है ये लैंडस्केप मोड में हो चुका है। पर आपको क्या करना है, इसमें आकर यहाँ पर ऑटो रोटेट भी ऑन कर देना है, तो आपको पूरा एप्लीकेशन जो है वो लैंडस्केप मोड में ही दिखेगा दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो आपका ये सारा चीज़ लैंडस्केप में होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह से, ये देखिए जो जो आपका एप्लीकेशन लैंडस्केप मोड सपोर्ट कर सकता है वो सारा आपका यहाँ पर लैंडस्केप मोड में सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो आशा है ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।